सुदामा को श्राप नहीं दिया था। महाराज आश्रम पर आ गए, गुरु मैया ने लाला कन्हैया को पास में बुलायो, जवा दियो लाला सुदामा ने तो को खान काजे कछु दो तो। कृष्ण बोले नहीं माता, मुझे कुछ नहीं दिया। कृष्ण इतना कह के चले गए, सुदामा आते दिखाई दिए, मैया ने जवा दियो लाला अरे सुदामा न्यांगा। श्रीमान राजा सिंह जी का सुपुत्र श्रेयांश यादव, यादव अच्छा क्योंकि आदत पड़ गई है बोलने की मुझे, 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। आगे चल के बेटा माता पिता का नाम रोशन करे, जीवन में कभी कले वेदना आए, प्रभु इतनी सद्बुद्धि दे बेटा अपने माता पिता की इस कृति को फौराए। व्यास जी से प्रभु से प्रार्थना है, श्री गोविंद भगवान की जय। कन्हैया चले जाते हैं सुदामा से, मैया गुर मैया ने पूछी है लाला तू जो बता, तूने कन्हैया को खान काजी चना दे थे कना। सुदामा का बोले वो कह रहे मैया ना दे थे तो आधे मैंने खाए आधे भैया ने खाए। गुर मैया बोली ओरे बाबरे जरा से चनन के बीच झूठ बोल ले हो इनसे। तब गुर मैया ने कही थी ओरे लाला सुदामा की गुरु से कपट मित्र संग चोरी और कह निर्धन कह। गुरु मैया ने कहा था हमसे भी झूठ बोल रहा है और मित्र से चोरी की है, झूठ बोला उससे भी तूने। लाला तू नहीं जानता है जो मित्र से चोरी करता है गुरु से कपट करता है उनकी क्या दशा होती है, दर दर भटकना पड़ता है। सुदामा के अंदर वही बात बैठ गई। कुछ दिन बाद 64 दिन में मेरे कन्हैया शिक्षा प्राप्त करके विदाई लेके चले जाते हैं। गुरु मैया के चढ़ छुए हैं, कहा है गुरु दक्षिणा में कुछ मांग, तो माँ ने कहा है गुरु दक्षिणा में बेटा देना चाहता है, समुद्र ने मेरा बेटा लापता कर दिया, मेरे बेटे को लापता। भगवान ने माता का वचन पूर्ण किया। उसके बाद भगवान सुदामा के गले लग कर के रोए, सुदामा से कहा है भैया तेरे ऊपर कोई आपत्ति आए तो सुदामा भैया तुम को याद करके मेरे पास तक जरूर चलो। ये इतनी गई कि कन्हैया चले गए। कुछ दिन बाद सुदामा भी कंचनपुरी को चले जाते हैं। सुदामा का विवाह गर्गाचार्य की पुत्री सुशीला के साथ में भयो है। आकर के झोपड़ी में बैठ गए। सुशीला बोली पिया अभी अपने महल कितनी दूर है। सुदामा कहने के सुशीला मैं तो ते कहूं कि जो बढ़िया मेरो घर है तो तू तो रहेगी नहीं का। अरे नो पूछ रही है कितनी दूर है महल, टूटी जो बढ़िया मेरो घर है अब बता कहा बोले तू। सुशीला बोली क्यों नहीं महाराज बताइए सही। तो सुदामा बोले प्रिय यही मेरा घर है। भगवान की कृपा से चार प्रसव में सुदामा के आंगन में चार बच्चों ने जन्म लिया। लेकिन धीरे धीरे जो कर्म किया था ना, मैंने कहा था ना जो कर्म करेगा वो भोगेगा जरूर। आज मैं सही कर भोगना जरूर। सुदामा जी की वो कंडीशन होती गई महाराज, दिन प्रतिदिन सुदामा जी बहुत गरीब होते गए। 5 घर से ज्यादा मांगते नहीं है, मान जाए तो प्रभु का प्रसाद मान करके पा लेते हैं, सबको थोड़ा थोड़ा खिला देते हैं और ना मिले तो कह देते हैं आज सांवरे को व्रत है। गयो है एक बात बताऊं, सुदामा कितना अमीर व्यक्ति होना मुश्किल है। सुदामा कितना अमीर व्यक्ति धनी व्यक्ति होना मुश्किल है। जिसके घर में अरबों खरबों की संपत्ति है, दौलत है, 10-10 मंजिल मकान बने हुए हैं और जिसके अंदर धैर्य नहीं है, संतोष नहीं है, तो वो धन दौलत खाक के समान है। सबसे बड़ा अमीर वही है जिसके पास में संतोष नाम का धन हो। याद रखना सुदामा वैसे धन दौलत से तो गरीब थे लेकिन सुदामा के अंदर संतोष था
बहुत बड़ा संतोष। एक दिन की बात, मैया सुशीला आंगन में बैठी बैठी रो रही है। सुदामा बोले, कहा बात है री भामनी, काहे को रो रही है? भामनी रोए की बोली, पिया जे छोरा छोरी रो रहे हैं, चार दिन आए भूख लगी है, इनके पेट में दर्द है रे, बताओ का खिलाऊं? पता ना मैंने कौन से ऐसे कर्म करे हैं, कौन से ऐसे पाप करे हैं जो मुझको आज ये दिन देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही इतनी बात कही तो सुदामा की हिलकी नहीं रुकी, सुदामा रोने लगे। सुशीला पाप तूने नहीं किया है, सुशीला पाप मैंने किया है। सुशीला जो भी बालापन का जो भी द्वारकाधीश बना बैठा है ना सुशीला, ये मेरे बालापन का यार है, मेरा मित्र है। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगी,